जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और ऑप्शन के लेवल 3 अप्रैल 2024 के लिए। और कल है जीरो या हीरो बैंक निफ्टी। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और अभी डाउ जोन्स तो काफ़ी माइनस है, 400 450 पॉइंट। आज मैंने क्रूड का लेवल भी दिए थे, इतना दिनों बाद सिर्फ 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 7113 में बेचना है, 7125 का स्टॉप लॉस और 7050 का टारगेट दिया था। सेकंड टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद अब 7000 का दिया हुआ है, 50% प्रॉफिट वहाँ बुक करवा दिया। वेट कीजिए, हर एक का दिन आता है। तो चढ़ रहा था उसलिए मैं नहीं दे रहा था, अब ग्रिप में आएगा तो डेली लेवल मिलेंगे। कल तो गैप डाउन ही खुलना चाहिए ऐसा लग रहा है अभी देख के, लेकिन सुबह देखेंगे किस लिए अमेरिका टूटा और क्या पोजीशन है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो अपने पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन कल कॉल नहीं लेना अपने को, लेंगे तो अपने पुट ही लेंगे, लेकिन देखेंगे सुबह क्या पोजीशन है। बाकी क्रूड ऊपर, गोल्ड ऊपर, बॉन्ड मार्केट ऊपर, डॉलर इंडेक्स ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर, मैं तकरीबन 8-10 दिन से बोल रहा हूँ कि ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि सब चीज़ ऊपर नहीं हो सकता है। तो देखते हैं अब क्या होता है कल। ये आज की समरी है। 3 ट्रेड लिए थे, एक निफ्टी लिए थे 70 में और 103 में भी बिकवाए फाइनल, और बैंक निफ्टी लिए थे 60 रुपये में, वहाँ से वो 70 गया। तब मैंने पहले 4990 यानी 50 रुपये का स्टॉप लॉस था, उसको मैंने बोला भाई 55 का कर दो, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद निफ्टी 22300 का पुट दिलवाया था 41 रुपये में, वहाँ से वो 48 भी का, फिर 34 का स्टॉप लॉस दिया था तो 34 का हिट हो गया, तो 1225 रुपये आज जमा हुए। और ये पोजिशनल बैंक निफ्टी 45000 का, मेरे को 175 का ध्यान था लेकिन 150 का मेरा स्टॉप लॉस है। और ये निफ्टी 21500 का 75 का स्टॉप लॉस है, 80-82 तो था, तो बस अब कल शायद हिट होना चाहिए 75 का ये। और बैंक निफ्टी भी लग रहा है, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होगा तो कोई बात नहीं है। मैंने जम्मू वाले को रोल ओवर एक लोट करवाया है, जून का करवाया है 335 रुपया में। मैंने बोला नहीं इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है एटलीस्ट, नहीं तो आप समझ लो 42000 बैंक निफ्टी आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे तो 38000 आ रहा है मेरा फिगर, लेकिन 42000 आना चाहिए। अगर 42 भी आता है तो इनको 3000 पॉइंट यानी 3000 रुपया पर लोट मिल सकता है। इसलिए मैंने बोला आज एक लोट ही, उन्होंने 6 लोट लिए थे 480 के भाव में, मैंने जब 455 बोला था उस दिन उन्होंने 400 एवरेज करके, उन्होंने जहाँ बढ़ते गया उस दिन बढ़ा था 500 तक गया था, तो वो एवरेज में 6 लोट ले लिए। तो मैंने बोला आज 6 लोट बेच दीजिए 170 में। मैंने बोला एक लोट लीजिए, फिर 30-30, 40-40 रुपये नीचे एक एक लोट अपने ऐड करते जाएंगे, लेकिन इसको रखना, इसको प्रॉफिट में निकालना है। तो जो भी अपना स्टॉप लॉस कटेगा तो मैं यहाँ पे कल या परसों कट जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है 150 रुपया, तो जो भी होगा माइनस होगा वो माइनस में यहाँ ऐड कर दूंगा। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज़ प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Bears। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किया, आज FII ने इंडेक्स में 3236 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2558 करोड़ का, नेट में 678 करोड़ का बाई किए। FII ने FNO स्टॉक्स में 1610 करोड़ का सेल किए, FII ने कैश 1623 करोड़ का सेल किए और DII ने 1953 करोड़ का बाई किए। अगर हम लोग का टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो इतना मैं कह सकता हूँ कि ये FII को एग्जिट करने के लिए बाजार जो मिड कैप खींच रहा है FII को एग्जिट कराने के लिए, ये मेरी टेक्निकल भाषा में है, बाकी क्या गॉड नोस। ये डाटा शीट है 2 अप्रैल की और 3 अप्रैल को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने बोध किए 1911 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में लॉन्ग हो गए 38328 और DII, FII और प्रो तीनों शॉर्ट में चल रहे। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट आज तेजी में आ गए, 1,68,704 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने सेल किए 89,144 नेट बेसिस पे 98,411 और प्रो ने भी सेल किए 70,293 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बोध किए 18,000 कॉन्ट्रैक्ट अराउंड,
तो अब वो अभी भी शॉर्ट में चल रहे हैं 39,000 कॉन्ट्रैक्ट, और FII सोल्ड की है 8,367, तो अभी उनकी इंडेक्स फुट में लॉन्ग है 20,595। प्रो ने सेल किया है 9,592 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस में वो 25,872 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। अब डेली बस ये डेढ़ महीना से ही हो रहा है गैप अप गैप डाउन, तो कल भी अब गैप डाउन होगा तो अपने देखेंगे, वेट करना होगा अपने को कि क्या करना है, तब सुबह डिसीजन लेंगे। जो भी होगा व्हाट्सएप में अपडेट करते रहूँगा। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 10,690 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 10,660 10,620, रेजिस्टेंस ऊपर में 10,730, मनी कंट्रोल PCR 1.17, मैं बनाता हूँ 0.71। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,750 का पुट, वीकली वाला जहाँ घटे वहाँ 48 के पास लीजिए। अगर अब गैप डाउन खुल जाता है तो मौका निकल जाएगा हाथ से। रेजिस्टेंस ऊपर में 95,120, नीचे में सपोर्ट 24। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,440 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,390 22,335, रेजिस्टेंस 22,504 22,556, मनी कंट्रोल PCR 1 मैं बनाता हूँ 0.93। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 22,500 का कॉल, वीकली वाला बिलो 65 के नीचे सेल जोन की है, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 40 और 25, रेजिस्टेंस ऊपर में 90। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 22,400 का पुट, वीकली वाला एबव 61 के ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट नीचे का 40 रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर में 91 और 122 तक कल जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 47,550 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 47,400 47,260, रेजिस्टेंस ऊपर में 47,700 47,850, मनी कंट्रोल PCR 0.95 मैं बनाता हूँ 0.89। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,500 का कॉल, वीकली वाला बिलो 190 के नीचे सेल जोन, रेजिस्टेंस ऊपर में 240 का, सपोर्ट 57 38 19, अगर लेना हो तो 38 से 19 के पास ले सकते हो जिनको तेजी खेलना है, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलेगा तो फिर ये खुलेगा ही नीचे, तो 38 से 19 के पास इंतजार कीजिएगा तो 11-12 बजे मिल सकता है तेजी के लिए खेलना हो तो। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,500 का पुट एबव 115 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 52 का रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर में 140 190 और 290 तक जा सकता है, 0-0 यही है, अगर गैप डाउन खुल गया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए भिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 21,151 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 21,110 21,060, रेजिस्टेंस ऊपर में 21,208, मनी कंट्रोल PCR 0.80 मैं बनाता हूँ 0.82। इंट्राडे वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 के लिए भिन निफ्टी 21,000 का पुट, वीकली वाला जहाँ घटे वहाँ 41 के पास लीजिए, सपोर्ट 20 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 73 और 87 तक जा सकता है। This slides video is for educational learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।